तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में आज राजस्थान का बजट पेश कर दिया है और पूरे प्रदेश में अलग अलग संभागों के लिए अलग अलग जिलों के लिए कई योजनाएं सौगातें मिली है। तो आइए जान लेते हैं कि बीकानेर में बीकानेर की नजरिए से बीकानेर की जनता इस बजट से कितनी उम्मीदें रख रही थी और उनको क्या मिला, इसलिए सब जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं बीकानेर जहां हमारे संवाददाता केके सिंह हमारे साथ मौजूद है। जी केके सिंह, बीकानेर को क्या उम्मीदें थी और इस बजट से क्या मिला है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर को खासतौर पर बीडीए बनाने की उम्मीद थी, जो जयपुर और जोधपुर की तरह पर जोधपुर प्राधिकरण है, जयपुर प्राधिकरण है, उसी तरह बीकानेर प्राधिकरण बनाने की उम्मीद थी। यानी यूआईटी से यूआईटी कार्य व्यवस्था यहाँ पर बीकानेर में परिपूर्ण नहीं कर पा रही, काम ढंग से नहीं हो पा रहा। इन सबके चलते काफी समय से डिमांड चल रही थी, पिछली सरकार से भी चल रही थी, लेकिन इस बार ये सब कुछ नहीं हो पाया। उसी तरह अगर हम बात करें तो बीकानेर की, बीकानेर में और काफी कुछ चीजें ऐसी थी जो मिलने वाली थी बीकानेर। अभी अगर एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस से जो 25 एम्बुलेंस दी जा रही है उनमें चूंकि अब राज्य है 50 जिले हैं जो 50 हैं और 25 एम्बुलेंस दी जा रही है, तो वो बीकानेर को कितना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये कई तरह के ऐसे सवाल आते हैं। जी केके सिंह, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी बीकानेर की और उम्मीदों से थोड़ा कम मिला है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है। और जहां तक हम बात करें पर्यटन की दृष्टि से भी, बीकानेर को विकसित करने की बात करें तो बीकानेर को पर्यटन की दृष्टि से भी ऐसा कुछ नहीं है। वहीं हम बात करें पेंशन की व्यवस्था की बात करें तो 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए की है जो 60 साल की महिलाएं हैं उनके ऊपर, तो वो एक जरूर पॉजिटिव वर्क माना जा सकता है। क्योंकि पहला बजट था और पहला भजन सरकार का पहला बजट था, दिया कुमारी ने पहली बार पेश किया है। ये फिर भी कुल मिला के पूरे राजस्थान की परिदृश्य से अगर बात करें तो वैट की भी एक तरह से कहा जा सकता है कि वैट पेट्रोल डीजल के लिए वैट है वो कम किया जाना था, क्योंकि पहले सरकार से वादा मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था और सरकार पिछली गवर्नमेंट से भी लोग डिमांड कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी डिमांड कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। जी केके सिंह, और जो उम्मीद की जा रही है कि ये खैर लेखानुदान था, उम्मीद की जाएगी कि जो अगला बजट पेश होगा उसमें बीकानेर की भी जो ये उम्मीदें हैं मांगे उनको भी पूरा किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये जुड़ने के लिए। तो बीकानेर से जो बात सामने निकल कर आई, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन क्योंकि ये लेखानुदान है और इसके बाद जो बजट आएगा तो उम्मीद की जा रही है कि उसमें कई चीजें समावित की जाएंगी।